नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कैथल रोड स्थित यमुना नहर से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला ये है कि मंगल कॉलोनी पार्ट टू के रहने वाले परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, एक बच्चे के पिता यहां पर मौजूद हैं। बेटे की उम्र 27 साल और नाम अजय बताया जा रहा है। और बड़ी ही हैरानी की बात यह है कि रात को पिता को लगभग 11:50 पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा जाता है कि मुझे नहर में ढूंढ लेना, और उसके बाद परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढना शुरू करते हैं। और जो जानकारी है कि यहीं पर ये आप देख सकते हैं पुल है, और यहाँ पर सिटी 100 बाइक जो इनके बेटे की बाइक बताई जा रही है, पहले इनको बाइक मिलती है, उसके बाद प्रशासनिक गोताखोर अब मौके पर पहुंचे, क्योंकि परिवार वालों ने गोताखोर मौके पर बुलाए। गोताखोर नीरज है जो इस वक्त आपको पानी में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि पानी के अंदर चले गए हैं, और लगातार जब से वो यहाँ पर पहुंचे हैं गोताखोर नीरज ढूंढ रहे हैं अजय को। लेकिन अभी परिवार वाले आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है हमारे बच्चे ने नहर में छलांग लगाई हो, क्योंकि ऐसा टेक्स्ट मैसेज भी सामने आया। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि अजय बाहर हो, कहीं अजय बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बाइक यहां पर मिली है। उसके बाद परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा निराश खुद को महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ अजय के पिता यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहां के आप रहने वाले हैं? हुकुम सिंह है जी। हुकुम सिंह, कहां के रहने वाले आप? मैं मंगल कॉलोनी पार्ट टू। तो कल क्या मैसेज आया आपको? रात को 11:50 पे मैसेज आया। किन का? बेटे का, और यहाँ कॉर्नर पे उनकी बाइक खड़ी हुई थी। क्या नाम है बेटे का? अजय। टेक्स्ट मैसेज आया आपको? हाँ, मैसेज आया फ़ोन में, उन्होंने फ़ोन में मैसेज कराया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या काम करता है बेटा? सिलाई का काम करता है। अपना काम है? नहीं, किसी के पास कारीगरी। उम्र क्या है बेटे की? 27-28 साल की। तो वैसे अमूमन कितने बजे आ जाता है रात को? वो 6-7-8 बजे तक आ जाता है। कल आया था, उसके बाद दोबारा फिर चला गया, फिर उसके बाद अकेला ही चला। बाइक पर ही गया। तो बाइक यहीं से बरामद? बाइक यहाँ से जब मैसेज करें ना, तो हम ढूंढने के लिए आए, बाइक यहीं खड़ी थी। आपने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ, मिसिंग की कंप्लेंट गए थे, सिटी थाने में गए, उन्होंने मना कर दिया। रामनगर चौकी में गए, उन्होंने मना कर दिया। रात हमने 3 PCR बुलाई थी यहाँ पे, 112 नंबर। बाइक आपको मिली तब? हाँ जी, 3 PCR हम ढूंढते रहे यहाँ को। एक रामनगर चौकी से आई थी, एक उधर से आई थी, 3 आई थी PCR यहाँ पे। हमने भी ढूंढा, यहाँ कुछ नहीं मिला हमारे। अब आपकी कंप्लेंट कहीं दर्ज है मिसिंग की? रामनगर चौकी में है, मगर वो मना कर रहे हैं, वो दर्ज नहीं कर रहे। गोताखोर आपने बुलाया? हमने बुलाया, मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का मामला नहीं है, और सिटी थाना वाले कहते हैं भी रामनगर का मामला है। पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं? नहीं जी, वो दर्ज भी नहीं कर रहे कंप्लेंट। क्या परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे एक लड़का था, ये बड़ा लड़का, 3 लड़कियाँ, 3 बेटियाँ। हाँ जी, तीनों शादीशुदा हैं? हाँ जी, शादीशुदा। तीनों शादीशुदा हैं, जिनमें से एक बेटी इनकी यहीं पर मौजूद है। बाइक के पास आप देख पा रहे होंगे, एक बेटी यहीं पर मौजूद है, और बेटी की आंखों में आपको आंसू दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अपनी भाई को लगातार वो ढूंढ रही हैं, अपने भाई को लगातार ढूंढ रही हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मंगल कॉलोनी। तो भाई को ढूंढा जा रहा है? हाँ जी। क्या जानकारी मिली आपको? कल भाई चला गया घर से? हाँ, कल आ गया था भाई, 11:50 पर उन्होंने मैसेज करा था, मुझे ढूंढ लो। 3 बहनों का आपका इकलौता भाई है? हाँ जी। परेशान चल रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं था, बस। शादीशुदा है भाई? नहीं, शादी के लिए थोड़ा सा वो था, शादी कराने के चक्कर में। क्या मतलब, करवाना चाहता था? हाँ, शादी हम ही करवाने के कर रहे थे, शादी कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे शादी। उसकी बिना मर्जी की हो रही थी शादी? नहीं, उसने इतना बड़ा अगर कदम उठाया तो क्यों उठाया? आपको क्या लगता है नहर में अब तो कोई बात भी नहीं थी ना, ऐसा कुछ लगता। उम्मीद है अभी कि भाई आ जाएगा, कहीं से वापस आ जाएगा। नंबर बंद आ रहा है उसका? रात का ही स्विच ऑफ आ रहा है उनका फ़ोन। रात का बंद है। आप कौन है? मैं उनका डैडी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और कहना ये कि हम तो शादी की तैयारी कर रहे थे, अपने 27 साल के बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। एक बार मैं वो आपको टेक्स्ट मैसेज भी दिखाना चाहूँगी, आप वो एक बार टेक्स्ट मैसेज दिखा दीजिए जो आपके पास रात को आता है, लगभग 11:30 बजे के बाद, 11:50 पे बताया जा रहा है। बेटा घर से कब निकला था?
वो तो 8-9-10 बजे का निकल रहा, 9 बजे और फिर मैसेज 11:50 पे आता है, लेट आया मैसेज। तो मैसेज एक बार मैं क्या बोल के निकला था घर से, घर से ये बोल के निकला कुछ भी नहीं, ठीक ठाक गया था घर पे। ये देखिए मैसेज, देखिए मैसेज, देखिए मैसेज में साफ शब्दों में लिखा हुआ है नहर में ढूंढ लिया। जिस अंदाज में या फिर जिस तरीके से वो मैसेज टाइप करते होंगे उसी शब्दों में ये चीज़ लिखी गई है। और इसका जो मतलब उनके पिता ने बताया है, वो यही बताया है कि मेरा बेटा ये लिख कर मुझे बता रहा था कि नहर में मुझे ढूंढ लेना, शायद हो ना हो या अनहोनी हो चुकी है और शायद अजय ने इस नहर में छलांग लगा लिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।